हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी मेंस हिस्ट्री के सिलेबस की। जिन लोगों ने यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री दिया है, उनको इस वीडियो में पेपर वन और पेपर टू के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। और डिटेल में जानने के लिए आप इस सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2021-22 और 23 के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग ये बैच ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा लाइव पढ़ाया जाएगा। अगर बैचेस की बात करें तो इसमें 1 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जिसमें आपका सारा सिलेबस कम्प्लीट कराया जाएगा। सारी क्लासेज आपकी लाइव होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसके अलावा एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूरी तरह से हिंदी में होगा। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप एक्सपीडिशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह अनअकैडमी द्वारा 2 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग केवल यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी द्वारा एनसीईआरटी की तैयारी के लिए नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें सारी एनसीईआरटी कवर की जाएगी। सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी। तो जो लोग प्लान लेना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने ये प्राइसिंग टेबल खुलकर आ जाएगी। आप यहाँ पर ये प्राइस ना पे करें, आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। जैसे ही आप कूपन कोड यूज करेंगे, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं पेपर वन के सिलेबस की। सबसे पहला टॉपिक आपका सोर्सेज है, जिसमें आपसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे इंडिजीनियस और फॉरेन अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड टॉपिक आपका प्री हिस्ट्री तथा प्रोटो हिस्ट्री के बारे में है। इसके साथ ही आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन तथा मेगालिथिक कल्चर के बारे में पूछा जाएगा और आर्यन और वैदिक पीरियड के बारे में पूछा जाएगा। पीरियड ऑफ महाजनपदास तथा मौर्य एम्पायर के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। इसके अलावा पोस्ट मौर्य पीरियड, जिसमें इंडो ग्रीक, इसके अलावा पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पूछा जाएगा। अर्ली स्टेट तथा सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया तथा डेक्कन और साउथ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। गुप्ताज, वक्ताकस तथा वर्धनास के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एरा तथा थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चर हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। अर्ली मेडिवल इंडिया 750 से 1200 के बीच में, इनके बारे में पूछा जाएगा। कल्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया के बारे में पूछा जाएगा और उसके साथ साथ आपसे 13th century के बारे में पूछा जाएगा और 14th century के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपसे सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी तथा 13th और 14th centuries के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के साथ आपसे 15th तथा early 16th century, जिसमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, अकबर के बारे में पूछा जाएगा, मुगल एम्पायर इन 17th century के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे 16th और 17th century के बारे में पूछा जाएगा, कल्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर तथा 18वीं शताब्दी के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। तो ये था पेपर वन का सिलेबस। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं पेपर टू की। इसमें आपसे यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज तथा इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बारे में पूछा जाएगा। सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल तथा अदर एरियाज के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे एनलाइटमेंट तथा मॉडर्न आइडियाज के बारे में पूछा जाएगा, ओरिजन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के साथ नेशन स्टेट सिस्टम तथा इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म के बारे में पूछा जाएगा, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, वर्ल्ड वार के बारे में पूछा जाएगा, द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में पूछा जाएगा और लिबरलाइजेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपसे डिकोलोनाइजेशन तथा अंडर डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप के बारे में पूछा जाएगा, डिस्टिंगेशन ऑफ सोवियत यूनियन तथा राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया। आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।